बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद कासिम, इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्टूडियो के प्रोग्राम सोशल टेक के साथ आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं आज साउथ कोरिया की जो सेंट्रल मास्क है, सोल सेंट्रल मास्क। माशाल्लाह, ये बिल्कुल सोल के आप आएंगे जो मेन एरिया है जिसको फॉर्नर एरिया कहते हैं, इतवान, उसके अंदर ये मस्जिद है। और इस मस्जिद में आज क्योंकि यहाँ एक कोरियन का स्पेशल त्यौहार होता है चूसक, उसकी वजह से छुट्टियाँ हैं, तो आज ईद सा ईद का जैसा समा है। नॉर्मली यहाँ जो है नमाजी कम होते हैं, लेकिन क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो उसकी वजह से जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी वर्कर और बिजनेसमैन मुस्लिम कम्युनिटी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ जुम्मे के लिए आई हुई है। तो बेसिकली ये मस्जिद जो है कोरियन मुस्लिम फेडरेशन जो है वो इसको रन करती है, और साथ ही इसके साथ जो है वो एक स्कूल बना हुआ है जो प्रिंस सुल्तान इस्लामिक स्कूल है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो स्कूल को थोड़ा सा इधर दिखा दें जी। ये बेसिकली स्कूल है जिसके अंदर जो है बच्चों के लिए जो है कुरानिक और इस्लामिक एजुकेशन होती है। ये टर्किश गवर्नमेंट के तावन से बना हुआ है, और साथ ही ये जो है मस्जिद है, और इस मस्जिद के अंदर रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। बेसिकली ये बहुत क्योंकि सेंट्रल प्लेस पर बनी हुई है और बहुत खूबसूरत है, हर तरफ से कोरिया से यानी जो सोल सिटी है उससे नज़र आती है, तो यहाँ बहुत सारे कोरियन विज़िटर आते हैं, तो जिनको फिर इस्लाम की दावत और प्रीचिंग के लिए जो है ना वो डिफरेंट पफरेंट और उनको कोरियन लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर दिया जाता है। इस बिल्डिंग के नीचे जो हैं वो ऑफिस हैं। बेसिकली ये जो मस्जिद बनी है ये सऊदी गवर्नमेंट के फंडिंग से बनी है। कोरियन मुस्लिम फेडरेशन के पास वक्त 15 मस्जिद हैं, फिर उसमें डिफरेंट जितने भी यहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, टर्की है, कतर है, यूएई है, सऊदी है, उसके अलावा जो यहाँ के रेजिडेंट हैं मुस्लिम वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, और लेकिन जो भी इसका जो कंट्रोल है वो कोरियन मुस्लिम फेडरेशन के पास है। इसके अलावा अब जो हैं माशाल्लाह इस पूरे कोरिया के अंदर KMF के अलावा भी तकरीबन 10-15 मस्जिद बन गई हैं, यानी आज से 10-15 साल पहले तो बहुत कम मस्जिद थी, लेकिन माशाल्लाह पिछले 15-16 साल में तकरीबन जहां भी यूनिवर्सिटी जहां 50-40 स्टूडेंट हैं वहां मुस्लिम प्रेयर हॉल्स हैं, वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में नमाज़ पढ़ते हैं। उसके अलावा जो बाकी शहर हैं वहाँ वो डिफरेंट मस्जिद हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एपिसोड तक।